किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले फोकस में होते हैं एक्टर्स, लेकिन देर इज अ होल बैटरी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग राउंड द क्लॉक बिहाइंड द कैमरास, ईच वन कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन स्मॉल वे टुवर्ड्स द फाइनल प्रोडक्ट. जब हमने हमारी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी ना, वी डिडंट नो हु डज व्हाट ऑन अ फिल्म सेट. वी जस्ट लर्नड ऑल द थिंग्स ऑन द जॉब. एंड बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग एंड बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग एन इंडिपेंडेंट फिल्म, वी न्यू कि फोन अ फ्रेंड पे वी नीडेड अ वेरी वेरी लिमिटेड क्रू. एंड द फर्स्ट टेक्नीशियन वी गॉट ऑन बोर्ड वॉज आर सिनेमाटोग्राफर रवि वर्मन. रवि वर्मन, ये आप सोच रहे होंगे कि ही इज़ द DOP ऑफ सो मेनी बिग फिल्म्स लाइक तमाशा, बर्फी, संजू, जग्गा जासूस, ये इनकी छोटी सी इंडिपेंडेंट सीरीज में कैसे काम कर रहा है. बट नो, ये वो रवि वर्मन नहीं है, ये हमारा रवि वर्मन है, बट माइंड यू नो लेस टैलेंटेड. हम एक स्क्रीन राइटिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे एंड दैट इज वेयर वी मेट द रिनाउंड साउथ इंडियन डायरेक्टर कुमार राजा. ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज फिल्म आरण्यकांड. He introduced us to his DOP, Ravi Varman. Since then, we had been collaborating with Ravi on various projects. So, when we told him about Phone a Friend, ke baare mein bataya, to he was game to be a part of it. A DOP is like the eye of the director. A director visualizes a scene in his head and the DOP translates it on the screen in the best possible way. DOP ke baad, jo next technician hume dhoondna tha, wo tha sound designer. हमारी पहली फिल्म के साउंड डिजाइनर्स थे संजय नॉल्विन, जिन्होंने देवडी, क्वीन, कहानी, मसान ऐसी पिक्चरें की हैं. बट व्हेन वी वर ट्राइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट, दे वर ऑलरेडी नेक डीप इन वर्क. सो दे सजेस्टेड अस अ गाय नेम्ड यात्रिक दवे. दवे सुन के मुझे तो पहले ही थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था. व्हेन वी फर्स्ट मेट यात्रिक, वी सॉ दिस हिप्पी लुकिंग गाय विद कर्ली हेयर. उसे देखते ही लग गया था कि इसके साथ काम जमेगा. अब जब DOP और साउंड डिजाइनर ऑनबोर्ड आ गए थे तो हमारा नेक्स्ट फोकस था ऑन फाइंडिंग अ गुड लोकेशन. हमारी सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर था वरुण, उसके घर के लिए वी नीडेड अ वेरी गुड लोकेशन. बट द प्रॉब्लम वॉज, जितने भी लोकेशन हम लोग देख रहे थे ना, उसमें जो लोकेशन हमें पसंद आ रहा था वो हमारे बजट में नहीं था, और जो बजट में था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था. फैक्टोटम, इस वर्ड का मतलब होता है मिस्टर फिक्सिट. हमारे पास थी हमारी मिसेस फिक्सिट, हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अंकिता श्रीवास्तव, जो यश की वाइफ भी है. और जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते थे ना, जो प्रॉब्लम ना एलिसन सॉल्व कर पा रहा है ना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, एट दैट टाइम अंकिता वुड कम टू आवर रेस्क्यू. अब हुआ ये कि शूट के डेट्स नज़दीक आ रहे थे और अब तक हमारा जो प्राइमरी लोकेशन है घर का, वो हमें मिला नहीं था. मेरे और एलिसन के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे थे. तब अंकिता ने मुझसे कहा कि एक घर है उसके दोस्त भूषण का, जो वो हमें दिलवाने के लिए हेल्प कर सकती है. मैंने कहा क्यों नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं. द मोमेंट वी सॉ द हाउस वी न्यू इट वॉज परफेक्ट. इट वॉज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट. लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, भूषण तो हाँ बोल देता लेकिन उसकी मम्मी की परमिशन के बिना हम वहाँ शूट नहीं कर पाते. तो अंकिता ने पर्सनली आंटी को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की, और सिर्फ उसके गुडविल की वजह से आंटी ने हमें वहाँ शूट करने की परमिशन दे दी. लोकेशन सॉर्ट हो चुका था, अब हमारे क्रू मेंबर्स हरकत में आ गए. हमारी इस छोटी सी वेब सीरीज में भी तकरीबन 50 से 60 क्रू मेंबर्स होंगे. वी आर रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. बट आई गेस राइट नाउ हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे, बट वी वुड लाइक टू मेंशन ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स. आवर हेयर एंड मेकअप टीम वॉज लेड बाय राजन एंड अनुराग. सो जो भी कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू देम. और जो कपड़े आपको अच्छे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इट्स ऑल थैंक्स टू आवर स्टाइलिस्ट अंकिता वर्मा एंड आवर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अंकिता श्रीवास्तव. हमारी स्टोरी में अक्की का जो कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट दिस कैरेक्टर इज एन अंडर कॉन्फिडेंट लोनर एंड थ्रू आउट द जर्नी ही बिकम्स दिस कॉन्फिडेंट यू नो कॉमेडियन. तो बात ये थी कि ये जो अंडर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर था, उसके लिए हमें थोड़े से इल फिटेड कपड़े चाहिए थे. बेसिकली हमें यश के कपड़े चाहिए. सो कहानी की शुरुआत में आप अक्की को जो कपड़े पहने हुए देख रहे हो, उसका क्रेडिट यश को जाता है. अक्की को हम लोग को एज अ लूजर दिखाना था और उसके लिए मेरे कपड़े फिट भी बैठ रहे थे. मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा था कि साला इस बात से मैं खुश हूँ या ऑफेंड हूँ. यश का पता नहीं, लेकिन आई वॉज थैंकफुल कि हमारे पैसे बच गए. एंड ऑल्सो आई वॉज थैंकफुल कि हमारे पास इतनी बढ़िया टीम. एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. जनरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है,
लेकिन हमारे केस में इट वॉज लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर फुट सोल्जर्स। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स संगम, शुभम और शौर्जो। दीज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर BTS, फॉर चेकिंग इफ द एक्टर्स आर रेडी, कंटिन्यूटी, क्लैप, बेसिकली एवरीथिंग। और फाइनली आते हैं हमारे स्पॉट दादास। अ वेरी बिग रीजन फॉर अस टू बी एबल टू फिनिश दिस शूट इज बिकॉज ऑफ आवर स्पॉट दादा संतोष पालवे, जो हमारे स्पॉट दादास की टीम को हेड कर रहे थे। हम लोग प्यार से उनको बाहुबली बुलाते थे, बिकॉज इन अ वे ही वॉज आर बाहुबली, आर प्रोटेक्टर। ये जो होते हैं ना स्पॉट दादास, ये एक सेट पे सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, बट ये है ना एक शूट की बैकबोन होती है। अगर ये एक शूट पे अपना काम सही तरह से ना करें ना, तो आई थिंक एक शूट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एंड इन आर केस स्पॉट दादास वर जस्ट मोर देन व्हाट दे वर मेंट टू बी। जनरली किसी भी सेट पे ना स्पॉट दादास अपने काम को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनका जो स्कोप ऑफ वर्क होता है उसके बाहर वो लोग नहीं जाते। लेकिन हमारे सेट पे उन्होंने हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी ना नहीं बोला, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या प्रॉपर्टीज हटाना हो। इनफैक्ट हमारे पैसों को लेके भी वी हैड कंप्लीट फेथ इन देम। कितनी भी रिमोट लोकेशन हो, अगर हमें कोई चीज़ सेट पे चाहिए होती थी ना, तो हमारे स्पॉट दादा कहीं से भी ढूंढ के उसे हमारे लिए लेके आते थे। आई डोंट नो व्हाट वी डिड टू डिजर्व दिस फ्रॉम देम, लेकिन मी एंड एलिसन वुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर अस। एज कैप्टन्स ऑफ द शिप, मैं और एलिसन ये बिलीव करते हैं कि सेट पे कोई भी क्रू मेंबर हो, छोटा बड़ा, ऑलवेज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना शायद आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रिस्पेक्ट है ना वो हर कोई नहीं दे पाता। अगर आपने अपने क्रू मेंबर्स को रिस्पेक्ट दे दी ना, तो वो आपके लिए पूरे दिल से काम करेंगे, और दिल से किया गया काम हमेशा सही होता है।